हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फूड एनीवे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज फूड एनीवे में बनने वाले है फ्राइड वेजिटेबल सैंडविच। इट्स अ क्विक रेसिपी एंड यू विल लव इट इंशाल्लाह। बट बिफोर गोइंग टू द रेसिपी, इफ़ यू आर न्यू टू फूड एनीवे देन वेलकम टू फूड एनीवे, एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी अ सब्सक्राइबर वी आर प्लीज टू हैव यू बैक। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल सो वी कीप ऑन कमिंग टू यू विद न्यू रेसिपीज। अब चलते हैं हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ जो हमें रिक्वायर्ड हैं इस रेसिपी के लिए। ब्रेड स्लाइसेस 6 to 8, मैंने ब्राउन और वाइट दोनों यूज़ किए हैं, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी यूज़ कर सकते हैं। बेल पेपर 1 कप, अनियन 1/2 कप, अनियन और बेल पेपर को 10 स्लाइसेस में कट कर लेना है। एग्स 2, चिली गार्लिक सॉस 1 कप, चिकन स्प्रेड 1 कप, मिल्क 1 कप। कोरिएंडर लीव्स 1/2 कप, सॉल्ट 1/2 टीस्पून और एज पर टेस्ट ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। Now let's start making our sandwiches. सबसे पहले हम एक बोल में चिली गार्लिक सॉस और चिकन स्प्रेड ऐड करेंगे और फिर हम उसमें ऐड करेंगे सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। इस सब को अच्छी तरह से मिक्स करके एक पेस्ट बना लेना है और साथ ही हम अपने सैंडविच के लिए 3 ब्रेड स्लाइसेस रेडी कर लेंगे। अब हम ये मिक्सचर हमारी 2 स्लाइसेस पर अप्लाई कर लेंगे। मिक्सचर की एक थिक लेयर अप्लाई करें टू हैव अ गुड टेस्ट। आफ्टर दिस वील एड अर बेल पेपर एंड अनियन इन टू दिस। बेल पेपर और अनियन को लेयर करने के बाद हम अपनी प्रिपेयर स्लाइसेस को सैंडविच कर लेंगे। सेम इसी तरह से हम अपनी रिमेनिंग 2 साइड्स पर भी मिक्सचर अप्लाई कर लेंगे and then we will layer our bell pepper and onion just like we did before, and then we will sandwich it with our prepared slice. Now we will keep it aside and prepare our coating mixture. Uske liye chahiye hame 2 eggs. Dono eggs ko achhi tarah se check kar lein aur phir unhe whisk kar lein, aur sath hi hum isme add karenge just a little bit of salt and pepper for taste and milk and coriander leaves. Now mix it well. हमारा मिक्सर रेडी हो गया है, अब हम इसमें कोट करेंगे हमारी सैंडविच को। सैंडविच को अच्छी तरह से चारों साइड से कोट कर लेना है। Now in a pan add around 2 teaspoon of oil. अब हम इसमें अपनी सैंडविच को फ्राई करेंगे। ध्यान रहे कि फ्लेम आपका स्लो होना चाहिए, दोनों साइड से गोल्डन होने तक पकाएंगे। चिमटे की मदद सैंडविच को पकड़ कर इसकी साइड्स को कुक कर लें। स्लो फ्लेम पर कुक करने से हमारी जो इंटरनल लेयर्स हैं वो भी अच्छी तरह से कुक हो जाएंगी और जो हमारे इसमें बेल पेपर और अनियन है वो भी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। अगर आप इसे हाई फ्लेम पर कुक करेंगे तो ब्रेड बाहर से जल जाएगी और अंदर से कुक नहीं होगी। हमारी फ्राइड वेजिटेबल सैंडविच रेडी हो चुकी है। सेम प्रोसेस से आप बाकी सैंडविचेस भी बना लें। कट इट इनटू 4 or 2 pieces हाउएवर यू लाइक एंड जस्ट ईट इट, बिकॉज आई नो कि इसको फ्राई करने तक ही आपको इसकी काफ़ी क्रेविंग होने लगेगी। सो डोंट डिले इट और इसे गरम गरम खा लें या सर्व कर लें। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये झटपट रेडी होने वाले वे फ्राइड वेजिटेबल सैंडविचेस कैसे लगे। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर लव वंस एंड लव वंस हुमएवर यू वांट टू। लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग फूड एनीवे। बाय बाय।